फैसल मुझसे नफरत करता है। फैसल सर तुमसे नफरत करते हैं, वो माजूर भी हो चुके हैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। छोड़ दो यार ये सब। तुमने कभी जिद की है? जिद सब करते हैं, लेकिन जिद के चक्कर में कोई अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। इस वक्त मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि ये बात बाबा को किसने बताई। देखो ऑफिस में तो किसी को भी इस बात की हवा तक नहीं है, बल्कि वहां तो यही मशहूर है कि तुम दोनों की आपस में लगती है। फिर कौन हो सकता है? तुम सारिया सच बात बोलूं, छोड़ दो ये सारे चक्कर। सर फैसल हैंडीकैप हो चुके हैं और तुझे क्या कमी मैंने आज तक जिंदगी में हर काम में अपनी मर्जी की है। अब जिस काम में मर्जी करनी चाहिए उसमें नहीं करूं, दैट्स इम्पॉसिबल। और उनकी शादी वो कौन सा लाइलाज मर्ज है? अभी ठीक हो जाएगी। तुझे तो तेज चलने की आदत है, दलदल में क्यों पैर रख रही है? दलदल इसीलिए तो अच्छी लगती है मुझे, घूमने नहीं देती, होने नहीं देती, कहीं और जाने नहीं देती। हॉस्पिटल कौन समझाए तुझे? चले? नहीं यार, मेरी मामा मुझे घर से निकाल देंगी, वैसे ही 10 मैसेजेस आ चुके हैं। और जहां आपका इंतजार ना हो रहा हो ना, वहां जाने का मजा ही कुछ और है। क्या हुआ? फैसल की अम्मी को होश आ गया। मुझे पहले घर जाने दो। डरना छोड़ दे मेरी दोस्त, जिंदगी उसी दिन शुरू होगी जिस दिन डर खत्म होगा। डरने का एक फायदा है वैसा, खौफजदा बंदे के सामने हर कोई खुल के सामने आ जाता है। चले आप। हाँ चलो।